गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शाय सर विद योर इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, और चैप्टर इज स्पोर्ट्समैनशिप एंड आई थिंक टुडे इट्स आवर लास्ट क्लास इन दिस चैप्टर। आई हैव फिनिश दैट, सो लिसन केयरफुली। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट पर्टिकुलरली वेयर वी हैव लेफ्ट इट लास्ट टाइम। मैंने आपसे कहा था कि आप मार्क कर लीजिए, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपने किया होगा। हमें जो स्टार्ट करना था वो यहाँ से करना था। निखिल लुक्ड एट हिम फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सैड। निखिल उसकी तरफ कुछ देर के लिए देखा, कुछ मिनटों के लिए उसने उसको देखा और कहा, यू विल जॉली वेल डू इट। तुम वेल यू विल जॉली वेल डू इट, तुम बहुत अच्छा करोगे। दे वर फैक्ट डैट यू हैव रियलाइज यूर मिस्टेक, और ये एक फैक्ट है कि तुमने अपनी जो है गलती को महसूस कर लिया है। एज एटो, वट इज़ डैट वर्ल्ड विच और प्रिंसिपल कीप्स यूजिंग एट नो मैंट, यस एट नो मैंट इनफ। एक्चुअल में जो गलती मान लेते हैं वही एक सिद्धांत होते हैं कि गलती हो जाती है, बट अगर कोई गलती मान ले तो सबसे बड़ी बात होती है। उसने अपने जो है एक सिद्धांत को यूज़ किया है। नाउ कम ऑन गेट गोइंग एंड लेट मी सी यू बीट मी इन द रेस, और कह रहा है कि चलिए अब आइए, आप जल्दी चलिए और आज देखते हैं कि आप मुझे रेस में बीट करोगे। एज द विस्टल ब्लो, जैसे ही घंटी जो विस्टल जो है बजती है गेम के लिए स्टार्ट होने के लिए, 10 यंग स्विमर्स एग्जीक्यूटेड ए परफेक्ट डाइव एंड द पोल। तो जो है 10 अच्छे स्विमर एग्जीक्यूटेड परफेक्टली डाइव लगाते हैं पोल में। निखिल टुक ऑफ विद मदन नॉट फॉर बिहाइंड। निखिल जो है टुक ऑफ विद मदन नॉट फॉर बिहाइंड, जो मदन था उसके ज़्यादा पीछे नहीं था, नॉट फॉर बिहाइंड। एज द 25 मीटर स्टेज, लगभग 25 मीटर के स्टेज पर, दे वर नेक टू नेक, बिल्कुल उसके नेक टू नेक था। एंड दिस पोजिशन कंटिन्यू टिल द वेरी एंड, और यही पोजिशन उनकी लास्ट तक चलती रही। व्हेन द विस्टल ब्लो, और जब सीटी जो है बजी उसके लिए रुकने के लिए, इट वॉज स्टिल नॉट क्लियर, वो अभी भी ये बात क्लियर नहीं थी कि हु हैड वॉन, कौन जीता, निखिल और मदन, निखिल जीता या मदन जीता। इट वॉज ए फोटो फिनिश, एक फोटो फिनिश था। फाइनली द जज डिसाइड निखिल हैड वॉन बाय ए कपल ऑफ सेकेंड, लास्ट में जज ने डिसाइड किया कि जो है निखिल कपल ऑफ सेकेंड से ही विजय हुआ है, निखिल इस रेस को जीते हैं। बट देर वॉज ए गुड न्यूज़ फॉर मदन टू, पर मदन के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये थी, सिंस निखिल एंड मदन हैड ब्रोकन द स्कूल रिकॉर्ड। निखिल और मदन ने स्कूल का रिकॉर्ड, जो पिछला रिकॉर्ड था, दोनों ने वो रिकॉर्ड ब्रॉक कर दिया, यानी तोड़ दिया। बट देर वा निखिल एंड मदन हैड ब्रोकन द स्कूल रिकॉर्ड, उन्होंने उसको जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ चुके थे। दे बोथ हैड बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन द इंटर स्कूल मीट, और उन दोनों को ही स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन लिया गया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया कि वो स्कूल की तरफ से वो पार्टिसिपेंट करेंगे दोनों। आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एज दे वर वॉकिंग आउट, अब जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ख़त्म हुई उसके बाद में, दे वर वॉकिंग आउट, जब वो जा रहे थे, निखिल हैंडेड मदन ए स्मॉल प्लास्टिक पॉकेट, तो निखिल ने मदन को एक छोटा सा प्लास्टिक का पैकेट हैंड ओवर कर दिया, यानी उसको दे दिया। मदन ओपन द पैकेट, मदन ने उस पैकेट को ओपन किया। Inside were 20 odd nails, उसके अंदर वो 20 कीलें थी जो उसने उसके गार्डन के अंदर स्प्रेड की थी। वाह, what is this? He asked. वाह, ये क्या, उसने पूछा। The nails you had planted on my garden path, वो जो कीलें आपने मेरे प्लांट गार्डन के अंदर मेरे रास्ते पे आपने जो बिखेरी थी, I had seen you doing it, मैंने आपको ऐसा करते हुए देख लिया था। And after you left, I had picked them up, और आपके जाने जब आप वहाँ से छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद मैंने इनको picked किया, यानी उठा लिया। but you told me your cycle had a flat tire,
अब वो कह रहा है मदन कि पर तुम तो कह रहे थे कि मेरी साइकिल भी पंचर हो गई थी। मदन सेड इनक्रेडुलियसली, मदन ने उनसे पूछा। निखिल स्माइल्ड एंड सेड, निखिल मुस्कुराए और कहा, मदन आई वांटेड यू टू रियलाइज यूर मिस्टेक। मदन में ये चाहता था कि तुम अपनी गलती को महसूस करो। मदन रिप्लाइड सॉफ्टली, मदन ने सॉफ्टली रिप्लाई दिया, आई थिंक आई डिड, मैं सोचता हूँ मैंने ऐसा किया। टुडे आई हैव अंडरस्टूड दैट इट इज़ नॉट द विनिंग और लूजिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आज मैं ये बात समझ गया कि हार और जीत कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ समथिंग मोर, इससे ज़्यादा है द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी जो हमारी खेल भावना है पार्टिसिपेंट्स की, एंड दैट इज़, और ये व्हाट मेक ए ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। ये समझ लिया कि एक अच्छे खिलाड़ी को क्या चीज़ है जो एक अच्छे खिलाड़ी को बनाती है। तो बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, कल हम जूम क्लास पर लाइव होकर इसके क्वेश्चन आंसरों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।